नमस्कार साथियों, आज के वीडियो को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूं। आज मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूं जो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, स्पेशली क्योंकि हम जिस लेवल पर पहुंचे हैं तो क्यों ना हमारी हम अपने आप ये जिम्मेदारी समझते हैं कि बहुत छोटे लेवल पर जो एनजीओ काम कर रहे हैं, जो ग्रास रूट पर हैं, जो एकदम देश के किसी कोने में काम कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से प्रोत्साहित कर सकें। इसीलिए हमने कुछ घोषणाएं करने का डिसाइड किया है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके मेल मैसेजेस कमेंट्स जो मेरे पास आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जवाब दूँ, लेकिन कई बार आपको उतनी संतुष्टि से जवाब नहीं मिल पाते होंगे जैसा आप चाहते हो। इसी के लिए आपके जनरली आपके जो सवाल मुझसे रहते हैं कि प्रपोजल कैसे लिखना है, फंड्स कहाँ कहाँ से मिल सकता है, फंड्स कैसे मिल सकता है, आपने ऑर्गेनाइजेशंस तो ऑलरेडी कई साल पुरानी बनी हुई है लेकिन उसको कैसे सफल बना सकते हो, अलग अलग तरह के प्रपोजल्स लिखने के लिए क्या टेम्पलेट्स की आवश्यकता हो सकती है, कैसे टेम्पलेट्स हम लोग बनाएं, सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस किस तरह से अच्छी हो जिससे लोग आपको पहचान सकें, इफेक्टिव एनजीओ प्रेजेंटेशंस कैसे बनाना है, इन सभी जानकारी को आप चाहते हो। और इन सभी जानकारी को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू की है, जो 31 जुलाई को शुरू हो रही है। फर्स्ट वर्कशॉप सुबह 11 बजे से हम लोग रखेंगे और उसके बाद ऑफलाइन वर्कशॉप जो सेमिनार अलग अलग शहरों में हम करने वाले हैं उसकी डेट्स हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करें। इसमें हमने कुछ नॉमिनल फीस रखी है और ये फीस रखने का पर्पस ये है जिससे कि आपके अंदर सिंसेरिटी आए, आपको लगे कि हम आप बहुत सीरियसली इस काम को सीखें। और हमने ये भी डिसाइड किया है कि जो भी इन वर्कशॉप से हम लोग फंड इकट्ठा करेंगे वो सारा फंड प्योर इंडिया ट्रस्ट के अकाउंट में ही जाएगा और एनजीओ के लिए ही जाएगा। और उस फंड्स के माध्यम से हम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दो चीज़ें शुरू कर रहे हैं। एक तो हम देश के कोने कोने में जो अच्छे एनजीओ काम कर रहे हैं, जो छोटे लेवल पर हैं लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है, उनको बहुत रिकग्निशंस नहीं मिली है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको इस साल के अंत में हम कुछ ना कुछ रिकग्निशन दें, मतलब हम एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपके संस्था को अवार्ड मिल सकता है। दूसरा है कि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जिनके प्रोजेक्ट आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, जिनका काम अच्छा है, ट्रांसपेरेंट काम है, उनके लिए हमने डिसाइड किया कि कम से कम 5 लाख रुपए की ग्रांट प्योर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से आपको दी जाएगी। और ये 5 लाख रुपए की ग्रांट हो सकता है एक एनजीओ को भी मिले, हो सकता है मल्टीपल एनजीओ में डिवाइड की जा सकती है, डिपेंड्स कि आपका किस तरह का आइडिया है। ये अभी हमने डिसाइड किया है 5 लाख रुपीज, लेकिन आपके किस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, कितनी आपकी ज़रूरत हो सकती है उस प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपके प्रोजेक्ट्स को हम किस तरह से इनिशियल ग्रांट प्रोवाइड करें, एक सीड फंडिंग प्रोवाइड करें, जिससे कि आप अपने आइडिया को एक सफल बनाने के लिए ग्राउंड पर काम कर सकें और उससे लोगों को दिखा सकें। और उस काम को जब आप दिखाएंगे तो आपको डेफिनेटली कई कंपनियों से, सरकार से और लोगों से फंड्स मिल सकते हैं और आप एक आगे चलकर एक सफल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस बन सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, कि इन वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करने से हमारा उद्देश्य रहता है कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, आपको ये बताना कि आप किस तरह से अपनी संस्था को आगे ले जा सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो जिस तरह से प्योर इंडिया ट्रस्ट को हमने पिछले 4-5 साल में इस लेवल पर पहुँचाया है कि हमारे पास करीब 25-30 से ज़्यादा कंपनियां फंड्स दे रही हैं, हमारे पास फॉरेन फंड्स भी है, कुछ इंडिविजुअल लोगों का भी फंड्स हमारे पास आता है, तो डेफिनेटली आप भी इस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और डेफिनेटली आप हमसे भी अच्छा और बड़ा काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना पैशन है, कितना जज्बा है, कितना देश के प्रति समर्पण है। मैं बार बार इस चीज़ के लिए बोलता हूँ, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप भारत को आगे रखना शुरू करें, राष्ट्र को आगे रखना शुरू करें। आप अपने आप को अगर पहले रखेंगे तो डेफिनेटली आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आपको मिल सकती है। तो मैं आपको बार बार जो आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब हमारी वर्कशॉप्स होंगी उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से हम कम से कम 5 लाख रुपए की ग्रांट
ऐसे एनजीओस को देना चाहते हैं जो जो अच्छा काम कर रहे हैं, और स्पेशली ये ग्रांट सिर्फ उन्हीं लोगों को उन्हीं वो ही एनजीओस क्वालिफाई कर पाएंगे जो इन वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो छोटे लेवल पर या छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं जिनका प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन वर्कशॉप्स में हम आपसे मिलेंगे। आपके जितनी क्वेरीज अगर आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें। और जो ऑफलाइन वर्कशॉप्स या जो सेमिनार हमने बताई है अलग अलग शहरों में, शुरुआत हम लोग करेंगे दिल्ली से, जयपुर, मुंबई और लखनऊ, ये हमारी इनिशियल प्रायोरिटीज़ में है। इसकी डेट्स हम लोग अगस्त फर्स्ट वीक में अनाउंस करेंगे। और जो आप इन वर्कशॉप्स में अगर आते हैं तो आपके साथ बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखे हुए आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे कि आप अपने एरिया के प्रपोजल आप अपने आप एडिट करके और आप उनको CSR कंपनीज को सपोर्ट कर सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखें, प्योर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से हम लोग किसी कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। तो आप हमसे अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको आपके NGO को ग्रांट दिला देंगे या CSR फंड दिला देंगे किसी तरह से, तो यह संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपकी कैपेसिटी बिल्ड करना है और आपको ये सिखाना है किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप डेफिनेटली इन वर्कशॉप्स में आएं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद आपको मेल आएगा, उसमें एक हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी है, उसमें आप आकर सवाल पूछ सकते हो। आपको ग्रुप से भी सब जवाब मिलेंगे, मेरे से जवाब मिलेंगे, और आपकी रेगुलर लर्निंग उसके माध्यम से आपकी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप और ज़्यादा लोगों को इनक्रेज करना चाहते हैं, तो आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ जो लास्ट में, मुझे जहाँ जहाँ हम ये वर्कशॉप्स करेंगे, जैसा मैंने पहले भी पिछले वीडियोज़ में बताया है, वर्कशॉप्स के अलावा भी हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट इस तरह के उन रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में और या रिमोट स्टेट्स में आते हैं जहां पर हमारे पास पार्टनर नहीं है, तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोग पार्टनरशिप करेंगे जो उस एरिया में अच्छा काम करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इनवाइट करता हूं वर्कशॉप्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका मिशन है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।